तो एक राइड तो बनती है यहाँ पे। सर बाइक की पर्ची तो कटती नहीं यार। तो यहाँ पे हमारा 25 रुपये का चालान कट गया यार पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जाने का। ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये बादलों के बीच में सूरज। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का रोड है, ऊपर ऊपर से जा रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस को। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे अभी हम जाने वाले हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, और ये है हमारे लेफ्ट साइड में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का गेटवे। यहाँ हम लेफ्ट टर्न करेंगे और हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे कदम रख देंगे। शुल्क प्लाजा 400 मीटर, ये हम आ चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। एक राइड तो बनती है यार। तो अभी हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हैं, आप देख सकते हैं ये अभी खाली रोड है यार, ज्यादा गाड़ियां नहीं आएगा तो बने। काफ़ी सुंदर बना है यहाँ, ब्यूटीफुल बना है। तो एक राइड तो बनती है यहाँ पे, एक राइड लेके आते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का। और ये हम चल रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। ब्लॉक, एम्बुलेंस, ट्रैफिक सब कुछ तो है यहाँ पे। इसका भी लगे क्या? पर्ची कटे गया रे, हम थोड़ा सा घूम के बस वापस आना है। पर्ची कितने की कटेगी? 15 रुपये। 15 की? ठीक है। तो ये आगे से कोई लेन है हम घूम के आने की? हाँ आगे से है। कितना दूर है? अरे ज़्यादा नहीं, 900 मीटर पड़ेगा। 900 मीटर? ठीक है, एक राउंड तो हो जाएगा ना उसमें। फिर आएंगे ना आप? हाँ वापस आएंगे। हाँ 25 रुपये आपको 5000 रहेगा। वापस आने के 15 लगेगा क्या? हाँ वाह, रिटर्न पर्ची कटेगी ना, रिटर्न आप 5 छूट हो जाएगा। कह रहे बाइक की पर्ची तो कटती नहीं यार। तो यहाँ पे हमारा 25 रुपये का चालान कट गया यार पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जाने का। 25 रुपीज़, थैंक यू, यहाँ लिखा होगा 25 रुपीज़। मेरी गाड़ी स्टार्ट है, देख लो वीडियो के लिए क्या क्या करना है। ये पर्ची दिखानी पड़ेगी वापस आने से। अरे यार नोट तो दूसरा कोई दिक्कत नहीं है यार, चेंज कर देगा ना के भी ना। नहीं, नहीं, नहीं। बोल दो उसको कि वापस आएंगे तो। अरे बोल दो। ठीक है, लगा सकते हैं।
था, 25 रुपये का चालान कट गया मेरा। टोल प्लाजा पे मैं तुझे टोल टैक्स में चालान बोलूँगा। ये बादलों के बीच में सूरज और ये घूमती हुई सड़कें, ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। अरे यार घूमते जा रहे, घूमते जा रहे यार, रोड चक्कर, रोड चक्कर। और ये हम यहाँ से वापस उड़ जाएंगे। क्या करना है, चल के जाना है वापस। कहीं से गोल गोल घूम के आए थे यार। और इधर खेत खलिहान, इधर हम हमको इलाहाबाद वापस जाना है, इसलिए हमको बस थोड़ा सा घूम के आना है। गोल 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 करके हमको वापस जाना है। पूर्वांचल एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2018 को आजमगढ़ में किया था। 6 लेन के इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 340.82 किलोमीटर है और इसे एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीडा ने बनवाया था। इसकी लागत जो आई थी वो 22,494 करोड़ रुपये की थी। लखनऊ सुल्तानपुर होते गाजीपुर के हल्दिया तक बने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यूपी जाने के लिए 2 माह पहले टोल टैक्स वसूली का शुरू करवाया था। यह कार्य पाथ इंडिया कंपनी को दिया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे टोल टैक्स की वसूली शुरू होते वाहनों की आवाजाही में गिरावट आने लगी, क्योंकि इसका कारण है कि यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। एक्सप्रेस वे की शुरुआत हुए करीब 8 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक इस 6 लेन एक्सप्रेस वे पर ना ही तो कोई पेट्रोल पम्प है, ना ही ढाबा, ना ही वाहन मरम्मत की कोई दुकान है। यहाँ तक कि यात्रियों की अन्य ज़रूरतों के लिए दुकानें भी उपलब्ध नहीं हैं। इसके साथ ही इसकी जो कनेक्टिविटी है वो शहरों से काफ़ी दूर है। सुल्तानपुर शहर से इसकी दूरी 20 किलोमीटर है और इसी वजह से जो वाहन चालक हैं वो शहरों से जुड़े हुए 4 लेन को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। इसलिए इस एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स वसूल करने वाली कंपनी पाथ इंडिया को 2 महीने में 30 करोड़ का घाटा उठाना पड़ गया। सुविधाओं के अभाव की वजह से इसके वाहन कम ही आते जाते हैं। पर्ची जमा कर रहा है ना, वो अभी घूम के ही आए हैं। हाँ, ये 20 रुपये बदलने को बोला था, वो हटा हुआ है ना। बदल दो, यही बदल दो हमें। ये लीजिए, गाड़ी निकाली है अंदर। पहले दूसरे दे तो मुझे तो समोसा लेते हैं यार। समोसा गांव में है, मिलते हैं। कहाँ उठ रहे बेटा? सही, लेकिन हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जाके वापस आ गए और इधर हम जा रहे हैं सुल्तानपुर से बाइक से होते हुए प्रयागराज को निकल लेंगे।